द फॉक्स एंड द क्रो, लोमड़ी और कौवा। वन डे अ क्रो वॉज सिटिंग ऑन अ ब्रांच ऑफ अ ट्री। एक दिन एक कौवा किसी पेड़ की शाख पर बैठा हुआ था। शी हैड पीस ऑफ चीज़ इन हर बीक। उसकी चोंच में एक बड़े से चीज़ का टुकड़ा था। अ फॉक्स वॉज पासिंग बाय। वहाँ से उस रास्ते से एक लोमड़ी गुजर रहा था। ही सॉ द क्रो विद द चीज़। उसने देखा कि कौवे के मुंह में एक चीज़ का टुकड़ा है। उसको वो चीज़ चाहिए थी। हिज माउथ स्टार्टेड वाटरिंग। उसके मुंह में पानी आने लग गया। ही थॉट ऑफ अ प्लान। वो चीज़ कैसे मैं कौवे से ले लूँ, इसके लिए उसने एक तरकीब सोची, एक आइडिया सोचा। ही सेड टू द क्रो। उसने जाके कौवे से कहा, मैडम क्रो, यू हैव सच अ स्वीट वॉइस। मैडम क्रो, कौवे जी, आपकी तो आवाज़ बहुत मीठी है। कैन यू सिंग अ सॉन्ग फॉर मी। क्या आप मेरे लिए एक गाना गा सकती हैं। द सिली क्रो, बेवकूफ कौवे। उसने क्या किया, तारीफ सुनकर ओपन्ड हर माउथ एंड स्टार्टेड सिंगिंग काओ काओ काओ। जैसे ही उसने तारीफ सुनी, वो गाना गाने के लिए उसने अपना मुंह खोल दिया। और जैसे ही मुंह खोला, द चीज़ फेल डाउन फ्रॉम द क्रोज बीक। उसकी चीज़ जो उसके मुंह में था, वो ज़मीन पर गिर गया। द फॉक्स टुक द चीज़ एंड वॉक्ड अवे हैप्पीली। लोमड़ी ने झट से उस चीज़ के टुकड़े को उठाया और वहाँ से चलता बना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, सेल्फिश पीपल स्पीक स्वीट वर्ड्स टू सर्व देयर ओन एंड्स। स्वार्थी लोग मीठी भाषा बोलते हैं, मीठी जबान बोलते हैं, अपने काम बनाने के लिए।